और हाजीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कुछ दिन पहले हत्या हुई छात्र नेता हर्षराज के परिजनों से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वैशाली जिले के लोगों ने ही तेजस्वी यादव को विधायक बनाया। वैशाली में छात्र हर्षराज की हत्या के बाद अब तक उनके परिवार वालों से मिलने तेजस्वी यादव क्यों नहीं पहुंचे हैं? क्रिमिनल और जात की राजनीति करने से उनको फुर्सत नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा कि नीट की परीक्षा में पेपर लीक मामले में शामिल एक भी लोग पक्ष नहीं जाएंगे। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी नेता के साथ आरोपित की तस्वीर वायरल होने से वो नेता किसी घटना में शामिल नहीं हो सकता। नेता के साथ कोई भी तस्वीर ले सकता है। घटना में शामिल होने के लिए पूरे साक्ष्य होना आवश्यक है। बिहार में कई जिलों में पोल गिरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को सही जानकारी होनी चाहिए। जो पुल गिरा है वह पिछले कई साल पहले जिला परिषद फंड से बनाया गया था और कटाव के कारण वो पुल गिरा है। तेजस्वी यादव को कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर मैं तो कह रहा हूं कि बिहार सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी साफ शब्दों में कहे हैं कि कानून का राज स्थापित होगा, जो अपराधी है उस पर कार्रवाई होगी। हम न बचाते हैं न फंसाते हैं, लेकिन जो उन्माद पैदा कर करके वहां जाते हैं, ये हर्षराज के घर जाने में क्यों इनको आपत्ति है? क्यों इनका कदम रुक गया? इनके इसी जिला ने उनको विधायक, उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बनाया। इस जिले में आने में इतनी देर क्यों हो गई है? क्यों अभी तक नहीं पहुंचे? जवाब तो देना होगा। क्रिमिनल और कास्ट की राजनीति से बिहार में सत्ता तक कोई नहीं पहुंचा है और न पहुंचेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के फोटो जारी करने के वाले बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि असंवैधानिक पद पर बैठे लोग प्रशासन को धमकी और लोगों के बीच उन्माद पैदा करने की मानसिकता के साथ फोटो और वीडियो के साक्ष्य के आधार पर ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें। ऐसी भाषा आपराधिक मानसिकता का सूचक है। आपको खुली चुनौती है कि 24 घंटे के भीतर ऐसा कोई साक्ष्य है तो उसे सार्वजनिक करें। लोगों के बीच भ्रम फैलाने और बिहार को शर्मसार करने का खेल बंद करें। देखिएगा, लगातार जहां भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा, जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया, और वो पेपर लीक करने वाला भी घूम रहा है। बारी बार बेल करा लिया, किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है, अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, अपने पद की गरिमा रखिए, धमकी की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। मत भूलिए कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप किस गिदर भभकी से कोई डरने वाला नहीं है। आखिर आप किस तरह के हिसाब किताब की बात कर रहे हैं? ये सही है कि आपकी पार्टी की पहचान तो इसी तरह की धमकी वाली भाषा और गुंडागर्दी की रही है, लेकिन इससे भी आप बाहर निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपका हिसाब किताब जनता कर रही है। लोकसभा चुनाव में जनता ने आपको हिसाब किताब कर दिया है, बचा कुचा हिसाब किताब विधानसभा में पूरा कर देगा। और प्रशासन के लोगों को आप क्या कह रहे हैं कि फिर सत्ता में हम आ जाएंगे? सपना देखते रहिए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन प्रशासन को
धमकी की भाषा में डराने का प्रयास मत करिए।